बचपन में तो पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करता है, तो उस मानसिकता में ज्यादा फर्क नहीं आया है। महिलाओं में भले फर्क आ गया हो किंतु पुरुष मानसिकता में भी उस तरह का फर्क नहीं आया है। और महिलाओं के अधिकारों के जो बाधक हैं वो दहलीज के भीतर ही है, दहलीज के बाहर नहीं है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या महिलाएं अकुंठ भाव से निर्द्वंद होकर के अपने को खूब अच्छी तरह से व्यक्त कर पा रही हैं, या अभी कोई संकोच है उनके अंदर, यानी अपना सेल्फ का ही संकोच, यानी ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा वो है, मैं उसकी बात इससे कैसे कहूँ, घर की बात घर में ही रहने दो। मैं इसका जवाब आपसे, बेबी हल्दार ने अपनी कथा सुनाई और उसके बाद सच कहूँ तो उस कथा के भीतर ही कई ऐसे बीज हैं जो इनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। यहाँ लोगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति बताती है कि बेबी हल्दार की कथा सुन के वे इतने व्यथित हो गए हैं कि कई लोग यहाँ से उठ के चले गए हैं, या इतने तुष्ट हो गए हैं कि कई लोग उठ के यहाँ से चले गए। सचमुच हम लोग कभी कभी कथा सुनते हैं, उसके भीतर छिपी जो अंतर कथाएं हैं और जो भावनाएं हैं और जो जिज्ञासाएं और उत्सुकताएं हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं इनके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगी बीच में, लेकिन मैं चाहूंगी कि बेबी हल्दार की कथा से कुछ चीज़ों को थ्योराइज भी किया जाए। क्या है बेबी हल्दार की कथा में, और उससे पहले प्रोस्तोर में जो कहा चंद्रा ने, उन दोनों को मैं जोड़ूंगी। प्रोस्तोर की कथा किसी अस्मिता की कथा नहीं, वो वर्ग की कथा है, जैसा उन्होंने बताया, भी पढ़ा नहीं मैंने। और बेबी हल्दार की कथा एक अस्मिता की कथा होते हुए भी, नारी की कथा होते हुए भी, औरत की कथा होते हुए भी, वर्ग उसमें बहुत प्रमुखता से बोल रहा है। इस बात को अंडरलाइन करना और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग में स्त्रियां नहीं पिटती, लेकिन उन्हें ग ख ग से शुरू नहीं करना पड़ता, उन्हें रोटी के लिए इस तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसलिए स्त्रियों की कथा पिटने की कथा हो सकती है, स्त्रियों की कथा प्रताड़न की कथा हो सकती है, लेकिन हम लोगों को, मैं चाहूंगी कि हम तभी अपनी लड़ाई भी बीच सकते हैं, अस्मिता जो मतलब जेंडर की लड़ाई या किसी भी किस्म की लड़ाई तब जीत सकते हैं कि जब हम अस्मिता के दायरे से को बड़ा करें और उसे वर्ग के दायरे से जोड़ें, वो वर्ग जिस पर आज यहाँ तक कि लेफ्ट पार्टियां भी बात नहीं कर रही, वो भी अस्मिताओं के शब्दावली में ही सोच रही है, दलित स्त्री आदिवासी ब्राह्मण ओबीसी इसकी उसमें बात कर रही है। जब तक हम लोग अस्मिताओं के दायरे को देखते हुए, उसको नजर में रखते हुए वर्ग के दायरे में नहीं सोचना सीखेंगे, तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ ही नहीं सकेंगे। ये मेरा पहला सवाल, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि क्या स्त्रियों को दबाने वाले घर के दहलीज के भीतर ही होते हैं, और इसलिए स्त्रियां अमूमन ये नहीं कह पाती और वो शर्माती हैं, संकोच करती हैं कि वो अपने पति के बारे में, अपने भाई, अपने पिता, अपने ससुर, अपनी माँ, इनके बारे में कुछ कहेंगी या नहीं कहेंगी। घर की दहलीज के भीतर सिर्फ पुरुष नहीं होते, घर की दहलीज के भीतर स्त्री भी होती है और मैं खुद भी होती हूँ। मेरी अपनी सोच क्या है, मेरे साथ जो मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी सास, मेरी ननद है, उसकी सोच क्या है? क्या हम उस सोच को इको कर रहे हैं जो मेरा पिता चाहता है या मेरा ससुर चाहता है? क्यों इको कर रही हूँ? अगर मैं इको कर रही हूँ क्योंकि उसमें सुरक्षा निहित है। घर की बाहर, दहलीज के बाहर जाने में हम उस सुरक्षा चक्र को तोड़ रहे हैं जो बेबी हल्दार ने तोड़ा।
बेबी हजार की माँ और उसके भाई नहीं मिले, मुझे नहीं मालूम कि बाद में मिले कि नहीं मिले, या किस रूप में उन्होंने अपना सारा वो चेंज कर दिया, अपने पूरे पूरे नाम को, सब चीजों को बदल दिया, या वो मर गए, कौन जानता है। हो सकता है कि उसने अपना परिचय बदल के कुछ और कर लिया हो और फिर आज जिंदगी शुरू की हो। ये भी हो सकता है कि कुएं बाबड़ी में जादू भी हो। ये जो घर की दहलीज से बाहर निकलने का साहस बेबी ने किया, उसी साहस के बूते पर बेबी आज हमारे बीच में है, क्योंकि उसने वो उस वर्जना को तोड़ा जो हालदार नाम से जुड़ा हुआ था, पिता की इज्जत, जो पिता ये समझा रहा था कि बेटी को जब हमने विदा कर दिया तो पिता की दहलीज से पति की दहलीज तक बीच में कोई रास्ता नहीं, ना केवल वो औरतों को बाहर निकाल रहे थे बल्कि वो पूरी की पूरी पितृसत्तात्मक मानसिकता से हमें मुक्त करने का वो पहला कदम था। एक बहुत मैं आप जरा फुले की फुले उनकी याद कीजिए, ज्योतिबा फुले नहीं, रमाबाई फुले, जब उन्होंने स्कूल खोला या किया उसका उससे जरा जोड़िए, और वहां से चली आ रही उस परंपरा से चली आ रही हमारी स्वाधीनता का युद्ध, जिसमें कि स्त्री इसलिए बाहर निकाली गई ताकि वो केवल सिर्फ घर की औरत होकर के ना रहे, वो अगर चरखा चला रही है तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो रही है, वो अगर सूत कात रही है तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है, जब बाहर निकल रही है तो वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, बराबरी पर खड़े होने की वो लड़ाई थी। और इसीलिए जब बेबी हालदार अपनी कहानी सुना रही थी तो मैं कभी कस्तूरबा के साथ थी तो कभी किसी और के साथ, कभी मैं सरोजनी नायडू के साथ थी और कभी मैं कस्तूरबा आपके जो आलोक आलोक के लड़ाई थे। अच्छा, तो ये जो अभी महादेवी का नाम लिया इन्होंने, ये एक तरह की अजीब सी, कभी कभी मुझे लगता है कि अजीब सी साजिश है औरतों को औरतों के तक सीमित रखना, देह और घर तक सीमित रखना। क्योंकि अगर औरत देह घर और उसी के संबंधों को अपनी बात में कहती रहेगी तो समझिए कि उसको आपने बांध दिया। जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि औरतें रचना क्यों करती हैं, औरतें क्यों लिखती हैं, तो औरतें इसलिए भी लिखना चाहती हैं कि सिर्फ वो अपनी बात नहीं कहना चाहती। जब ये कहती हैं कि मेरी बात में बहुत सारी स्त्रियों की बात छिपी हुई है तो ये साधारणीकरण है, ये साधारणीकरण ही वो चीज है जिससे कि आप इनकी बात से या किसी की कविता से या किसी की कहानी से अपना संबंध बनाते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं इसलिए लिखना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कहना चाहती, मैं वो बात कहना चाहती हूँ जो आपको लगे कि आपकी अपनी है, आपकी बहन की है, आपके पिता की है, आपकी माता की है, और मेरे पूरे समाज की है और मेरे पूरे विश्व की है। एक्सप्लोरेशन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक एक चीज को पढ़ें, जानें, समझें, सोचें, विचारें और एक्सप्लोर करें, और ये अवकाश हम लोगों को नहीं मिलता। सारे काम करने के बाद जो बचा हुआ समय है वो लेखन का समय है, सबसे आखिर में आता है हमारी अपनी रचनात्मकता, और वो जो आखिर में आने वाली रचनात्मकता है वो इतनी विस्फोटक अगर है तो सोचिए कि अगर 25% समय भी हमें दिन का लिखने पढ़ने को मिल जाए तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाए। सिर्फ और सिर्फ 25%, मैं तो 10% पे भी खुश हूं, 10% समय ही मुझे उस तरह की एकाग्रता, उस तरह की
बिल्कुल जो जहाँ कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, मुझे ये ना सोचना पड़े कि शाम की क्या सब्जी बनानी है, अरे अरे धनिया तो है ही नहीं घर में। अगर इससे मैं मुक्त हो जाऊं या इससे मैं मुक्त हो जाऊं कि बेटे के लिए अभी तो कल के होमवर्क करवा लेना है या सुबह 5 बजे उठ करके उसके लिए क्या डिश बनाऊं जो वो घर स्कूल में खाकर आए, इन सब चीजों से 10% समय अगर मुक्ति का हो, मैं चाहती हूं कि वो एक हमारी सच्ची रचनात्मकता को जन्म देगा। वैसे तो मैं बताऊं कि स्त्रियां इतनी रचनात्मक होती हैं कि रोटी भी रचना करती हुई बनाती हैं, सब्जी बनाते हुए भी सोचती हैं कि आज इसमें ऐसा क्या कुछ कर दें कि कुछ नया टेस्ट आ जाए। इतनी मूलभूत रूप से जो रचनात्मक क्षमता है, जब उसके जुबान में शब्द और हाथों में लिखने की लिपि होगी, कलम होगा और 10% समय होगा, तो वो मैरी क्यूरी क्यूरी की तरह काम करेगी। सचमुच वो काम सिर्फ केमिस्ट्री में या न्यूक्लियर उसमें नहीं होता, वो काम उस विचार में होगा जो विचार आपको इस ये कहने के लिए नहीं कहेगी कि औरतें तो रोती रहती हैं अपने लेखन में भी, इनको तो सिर्फ झगड़ा करना आता है, ये तो सिर्फ बुराइयां करती हैं। इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है और हम बाहर निकल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं नए रचनाकारों को पढ़ती हूँ, यहाँ तक कि कृष्णा सोबती की कुछ कहानियां जिसमें उन्होंने घर मकान को किस तरह से खरीदा जाए या जमीन जायदाद किस तरह से खरीदी गई, इस तरह की जो कहानियां लिखी हैं वो बताती है कि उनके पास कुछ समय था अपने देह, अपने परिवार, अपने जो बिल्कुल निजी मामले हैं उनसे बाहर निकलने का। बेबी हालदार की कहानी में एक और चीज बहुत अच्छी है और वो है एक ऐसा विश्वास का एंकर, डोर, जिसने एक, मैं ये तो नहीं कहूंगी डूबती हुई क्योंकि बेबी हालदार डूबने वाली चीज नहीं है, कम से कम फंसे हुए किश्ती को, एक फंस गई है किश्ती, उसको बाहर खींचने का उस एंकर ने काम किया। और ये जो चीज है, ये फिर मैं बोलूंगी कि यह वो बात है जो किसी भी अस्मिता को एक वर्ग और एक समाज से सीधे सीधे जोड़ती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुर्दहिया पढ़ा होगा। मुर्दहिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो उसको ट्रांसेंड करता है, अस्मिता के सवालों को व्यापक चीजों परिप्रेक्ष्य में रखता है और सिर्फ अस्मिता से ट्रांसेंड करता है। औरतों की लड़ाई केवल अस्मिता की लड़ाई उस तरह से नहीं है जिस तरह से मान ली गई है कि एक सेशन जेंडर का, नो, मैं इसको कभी भी स्वीकार नहीं करती। मैं तो मानती हूं कि हर बात में, हर चीज में एक सोच, उस पूरे, जैसे कि अब हम लोग सोचते हैं कि पर्यावरण भी भाई शामिल कर दिया जाए, उसी तरह से हमको हर बात में ये सोच करके रखना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष दोनों के बिना कोई भी समाज, कोई भी लेखन, कोई भी काम नहीं चल सकता। और ये बात मैं अपनी साथिनों को, अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों से बात करूंगी कि ये बात हमें खुद शुरू करनी पड़ेगी, खुद अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, खुद हमें कंधे से कंधा मिलाकर हमें कहना पड़ेगा कि अब हम मतलब सिर्फ यही रोता रोना गाना नहीं करेंगे।